हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जो कि चैप्टर 12 क्लास 12 केमिस्ट्री से है, पार्ट 2 का चैप्टर है। तो इससे पहले ये वीडियो जो मैंने बना के डाली है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसमें मैंने कवर किया है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। इस टॉपिक की मैं दो वीडियोस बनाकर डालूंगी क्योंकि लेंथी टॉपिक है, इसमें बहुत सारे रिएक्शंस है। तो बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टी में हम ये देखते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन किस रिएजेंट के रिएक्शन पर क्या फॉर्म करता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन होती कौन कौन से, कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज टॉपिक में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हम 4 रिएक्शन पढ़ेंगे, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद HCl, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद 2 मोल एल्कोहल। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अगेन इसमें हम 7 रिएक्शन पढ़ेंगे। उसके बाद रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग अल्फा हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनेजारो रिएक्शन। नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन की, एल्डिहाइड और कीटोन अपॉन ऑक्सीडेशन क्या फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट पढ़ेंगे रिडक्शन, 2 टाइप का रिडक्शन पढ़ेंगे, एक तो सिंपल रिडक्शन विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट, जिसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन रिड्यूस टू गिव एल्कोहल, एंड अदर टाइप जिसमें हम एल्डिहाइड और कीटोन को, जो कि कार्बोनिल कंपाउंड है, रिड्यूस करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के अंदर यूजिंग क्लेवेंशन रिडक्शन एंड वुल्फ किर्शनर रिडक्शन। एंड लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो आज का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर मैंने भी बताया कि हम 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे कार्बोनिल कंपाउंड विच में बी एल्डिहाइड और कीटोन। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि व्हाई कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो सपोज ये हमारा है एल्डिहाइड CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो जब भी एल्डिहाइड और कीटोन की आप कोई भी रिएक्शन करें तो कार्बोनिल ग्रुप को C डबल बॉन्ड O की फॉर्म में लिखें, क्योंकि इसके लिखने के बाद आपको इमीडिएट पता चलेगा कि किस टाइप के रिएक्शन में जाएगा। तो वी नो दैट जहां पर भी अनसेचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ऑलवेज एडिशन रिएक्शन इज देयर। यानी इस पर पूरा का पूरा मॉलिक्यूल क्या होगा, ऐड होगा, हेंस अंडरगो एडिशन रिएक्शन। देन व्हाई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हियर, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ओ is the most electronegative element, सबसे ज्यादा most electronegative element fluorine, after fluorine oxygen, तो O is more electronegative than carbon, तो ये pi electron को अपनी तरफ withdraw करेगा, जिसकी वजह से after shifting of pi electron toward O, O के ऊपर negative charge develop होगा, carbon पर positive, क्योंकि double bond पर जब addition होगी तो पहले pi bond हटेगी, then complete molecule add on this C double bond O. तो इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आया, पॉजिटिव पर हमेशा नेगेटिव अटैक करता है, तो स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आर इलेक्ट्रोफाइल। तो दिस कार्बोनिल कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल कंबाइन विद न्यूक्लियोफाइल, हेंस दिस रिएक्शन या दिस कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दोबारा बताती हूं, ये जो C डबल बॉन्ड O है कार्बोनिल ग्रुप, C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनिल ग्रुप बोलते हैं, तो हियर ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से O पे नेगेटिव एंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। तो कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज, दैट मींस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एंड दिस कार्बोनिल कार्बन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल विच रिएक्ट विद न्यूक्लियोफाइल। यानी इस कार्बोनिल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक, न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग, तो उस खुद कैसा नेचर है, नेगेटिव, यानी कोई नेगेटिव स्पीशीज इस पर क्या करेगी, अटैक करेगी, हेंस
कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन विद, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड विच में भी एडिड और कीटोन, तो जनरल लिख रही हूं आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज एल्डिहाइड, जनरल फॉर्मुला फॉर एल्डिहाइड आर सी एच ओ। इसकी रिएक्शन कराते हैं HCN में इन प्रेजेंस ऑफ बेस विच एक्ट एज कैटलिस्ट, जो किसका काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा। तो होगा क्या, दिस HCN इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस क्या फॉर्म करेगा, बेस का काम क्या होता है, टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, तो ये OH माइनस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा एंड फॉर्म H2CN माइनस। दिस CN माइनस एक्ट इज न्यूक्लियोफाइल विच अटैक ऑन कार्बोनिल कार्बन, किस पर अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन, कैसे, O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन C, तो दिस कंप्लीट हेड एरो शोज ट्रांसफर दीज टू इलेक्ट्रॉन एट दिस O। तो इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन तो O का खुद का था, बट जब वो कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो इस O पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एंड दिस कार्बन बेयर पॉजिटिव चार्ज, तो क्या बन गया, आर सी ओ एच। पाई बॉन्ड हटी, पाई बॉन्ड यहां से हटी, O के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव, H के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, C के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, HCN कैसे टूटता है, H plus and CN minus, तो जो CN minus है form bond with this carbon, क्योंकि इस carbon पे कैसे चार्ज आएगा after shifting of pi electron positive, O पर कैसे चार्ज आएगा, negative, तो this O negative attach with this H plus, क्योंकि भाई addition का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा HCN molecule add होगा, कुछ भी निकलेगा नहीं, तो CN पर ऐसे generate किया CN minus, क्योंकि ये रिएक्शन कैटलाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस हाइड्रोक्साइड इन बेस की प्रेजेंस में, तो बेस ने CN माइनस को डेवलप करवाया। ठीक है, बट जो कैटलिस्ट है वो सिर्फ इन्वॉल्व होता है, कंज्यूम नहीं होता, तो H प्लस वापस देगा और H किसके पास जाएगा, इसके पास, इन फॉर्म साइनोहाइड्रेन, क्या बनाएगा, साइनोहाइड्रेन। अब इससे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं A ऑन रिएक्शन विद B एंड फॉर्म से इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। तो सपोज एक ऐसे ही सिंपल एग्जांपल ले लो, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ए जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दे रखा होगा C9H10O, इस तरीके से कुछ भी फॉर्म साइनोहाइड्रिन, क्या फॉर्म कर रहा है, साइनोहाइड्रिन फॉर्म कर रहा है, तो क्या आपको ए के बारे में क्या पता चला कि HCN किसके साथ रिएक्शन पर साइनोहाइड्रिन बनाएगा, HCN कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन पर क्या बनाता है, HCN जो है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन पर ही साइनोहाइड्रिन बनाता है, तो यहां से इंफॉर्मेशन मिली कि जो ए है इट विल बी कार्बोनिल कंपाउंड, ये कैसा होगा, कार्बोनिल कंपाउंड विच में बी एल्डिहाइड एंड कीटोन। फिर आगे फिर आपको क्लू दे रखे होंगे, हम क्लू को यूज करके आप आइडेंटिफाई करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, तो ये रिएक्शन इस तरीके से यूज होती है, यानी जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन HCN के साथ करते हैं तो साइनोहाइड्रिन विल फॉर्म, ये रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की कंबाइन ही बन रहे हैं, तो सिमिलरली कीटोन 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 भी HCN के साथ रिएक्शन पर क्या फॉर्म करेगा, आर सी आर, ये पहले तो पाई बॉन्ड हटी क्योंकि O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो O पर नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा आफ्टर शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड O, H पर क्या चार्ज होता है, प्लस, CN पे क्या होता है, माइनस, तो प्लस को माइनस के साथ और माइनस को प्लस के साथ जोड़ो, O पर माइनस है, H बॉन्ड बनाएगा, कार्बन पर पॉजिटिव है तो CN माइनस बॉन्ड बनाएगा एंड फॉर्म साइनो हाइड्रेन, क्या बनाया, साइनो हाइड्रेन। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर अभी फोर टाइप की रिएक्शन पड़ती है, फर्स्ट रिएक्शन विद HCN जो कि हम कर चुके हैं, यानी एल्डिहाइड और कीटोन और कार्बोनिल कंपाउंड HCN के साथ रिएक्शन पर साइनोहाइड्रिन बनाते हैं। जल्दी से नोट डाउन करो। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड NaHSO3, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड
NHSO3 is sodium hydrogen sulfide. तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड विच में भी एडियर कीटोन, अगर दोनों तरफ R लगाओगे कीटोन, एक R यानी एल्काइल चेन एल्काइल ग्रुप, another bond with hydrogen, then this is aldehyde. तो मैं जनरल रिएक्शन दे रही हूँ कार्बोनिल की फॉर्म में. तो when कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड इट formed addition adduct. Addition adduct मतलब add हो जाएगा पूरा molecule. We know that double bond पे addition होती है. एंड कौन सा डबल बॉन्ड है? कार्बोनिल, है ना. तो कार्बोनिल कंपाउंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कैसे जाएगा? और इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑफ पे कैसा चार्ज डेवलप होगा? नेगेटिव. और कार्बन पे कैसा आएगा? पॉजिटिव. यहाँ पर Na पर क्या होगा? प्लस. और HSO4 माइनस. HSO3 पर क्या होगा? माइनस. बस जोड़ दो नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ. तो कार्बन पर पॉजिटिव है, इसके साथ नेगेटिव जाएगा SO3H और इसके साथ क्या आएगा? Na. ठीक है. अब यहाँ पर जो सोडियम है उस पर भी तो प्लस चार्ज था, H पर भी प्लस चार्ज है, तो एक्सचेंज होगा यहाँ पर H प्लस एंड फॉर्म OH एंड SO3Na. ठीक है. दिस इज एडिशन कंपाउंड विच इज नोन एज एडक्ट. एडिशन कंपाउंड इज ऑल्सो नोन एज एडक्ट. एडक्ट फॉर्मेशन हुआ है यानी रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. तो कार्बोनिल कंपाउंड विच में भी एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट एडक्ट. ठीक है. तो क्वेश्चन आता है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए जो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एडिशन एडक्ट बनाता है, तो आपको क्या क्लू मिला? भाई कौन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन पर एडक्ट बनाएगा? कार्बोनिल कंपाउंड. तो हमें हिंट मिली कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है मे बी एल्डिहाइड और कीटोन. आई होप ये रिएक्शन क्लियर हो गई होगी. हम कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो हम इसमें दो रिएक्शन कर चुके हैं. दिस इज सेकेंड रिएक्शन बी. रिएक्शन इज सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड. नेक्स्ट मूव टू अनदर रिएक्शन. रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये हम चैप्टर 10 में भी कर चुके हैं. विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, देन व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? जनरल फॉर्मूला इज आर एम जी एक्स. इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. आर इज एल्काइल, एम जी इज मैग्नीशियम, एक्स इज हैलाइड. तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करते हैं विच इज मिथेनल. मिथ यानी एक कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड, अल यानी एल्डिहाइड. मिथेनल और फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड is common name of HCHO, followed by hydrolysis, always 1 degree alcohol it will form. Grignard reagent की reaction जब other aldehyde except formaldehyde, formaldehyde को छोड़ दो, किसी भी aldehyde के साथ करोगे always 2 degree alcohol will form. Grignard reagent की reaction जब हम ketones के साथ करते हैं followed by hydrolysis, 3 degree alcohol will form. तो ये flow chart आपको समझ आ गया होगा कि Grignard reagent alkyl carbon chain है, magnesium halide और reaction with formaldehyde or methanol which is HCHO, first aldehyde of aldehyde group, followed by hydrolysis always form 1 degree alcohol. Grignard reagent on reaction with other aldehyde followed by hydrolysis always form secondary alcohol. Grignard reagent on reaction with ketone followed by hydrolysis always form 3 degree alcohol. अब इसका mechanism करके दिखाती हूँ, 1 by 1 तीनों के example choose करते हैं. तो reaction with Grignard reagent, I hope आपने उतार लिया होगा, note down कर लिया होगा. चलो start करते हैं. तो first Grignard reagent का example choose किया हमने, methyl magnesium bromide. methyl मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है. ऑन रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड वी नो दैट ऑन डबल बॉन्ड एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. तो एडिशन रिएक्शन कैसे होगी? सी और ओ के बीच में ओ इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में हमेशा ये वाली बॉन्ड टूटती है विच इज मोर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम. मैग्नीशियम इज मेटल, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव,
कार्बन इज नॉन मेटल, तो जब ब्रिकार्ड रीजन में बॉन्ड टूटेगी तो MgBr पर पॉजिटिव चार्ज आएगा एंड कार्बन चेन हैव नेगेटिव चार्ज। तो जब ब्रिकार्ड रीजन फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा, डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो O के ऊपर कैसे चार्ज डेवलप होगा, नेगेटिव और कार्बन पर पॉजिटिव। तो नेगेटिव को पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ कंबाइन करो, देखो ठीक है, तो इसको मैं कंबाइन करके लिख देती हूँ, CH2O, CH2, ये CH2O, O पर कैसे चार्ज है, नेगेटिव, इसके साथ जाएगा MgBr, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये CH3 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, दिस CH3। नेक्स्ट स्टेप इज हाइड्रोलिसिस H2O इन प्रेजेंस ऑफ H+, तो MgBr निकलेगा। अब दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज सब्स्टिट्यूशन, सिंगल बॉन्ड पे सब्स्टिट्यूशन होता है, तो MgBr निकलेगा, MgBr पे कैसा चार्ज था, पॉजिटिव, तो वाटर में पॉजिटिव चार्ज किस पर है, H+ पर, तो पॉजिटिव पार्ट निकलता है तो पॉजिटिव ही आता है, दिस इज CH3 CH2 O और MgBr के प्लेस पर आ गया H एंड फॉर्म 1 डिग्री एल्कोहल। जिस कार्बन पर OH अटैच है, इज डायरेक्टली अटैच इज ओनली 1 कार्बन, एल्कोहल इज 1 डिग्री। आई होप क्लियर हो गया होगा मैकेनिज्म, बिल्कुल सिंपल मैकेनिज्म है, ब्रिकार्ड रीजन में बॉन्ड हमेशा यहीं से टूटता है, कार्बोनिल कंपाउंड में एडिशन होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये CH3 इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, O पर नेगेटिव है तो MgBr उसके साथ बॉन्ड बनाएगा एंड फॉर्म इंटरमीडिएट व्हिच अपॉन हाइड्रोलिसिस फॉर्म फाइनली एल्कोहल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया। चलो सेकेंड एग्जाम्पल चूज करते हैं इसका विद अदर एल्डिहाइड। तो ब्रिकार्ड रीजन CH3 CH2 MgBr, फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई भी एल्डिहाइड लो, तो सपोज हम ले लेते हैं इथेनॉल, दिस इज इथ फॉर 2 कार्बन, एन फॉर सिंगल बॉन्ड, अल फॉर एल्डिहाइड, इथेनॉल और एसिटिल डिहाइड। तो वी नॉट डेट डबल बॉन्ड पे एडिशन होता है, पाई बॉन्ड हटने के बाद कार्बन पे पॉजिटिव ओपन नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, बॉन्ड यहां से टूटेगी, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, यानी मेटल पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे एल्डिहाइड CH3 COH, ओपर कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन उसके पास शिफ्ट हुए हैं और O इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो MgBr जाएगा O के साथ, इस कार्बन पर टेल की दिशा है पॉजिटिव, इसके साथ जाएगा CH2 एंड CH3, ये नेगेटिव कार्बन इस पॉजिटिव कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। नेक्स्ट सेकंड स्टेप इज हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस में क्या बताया था, MgBr निकलेगा और H+ आएगा, तो कैसे आएगा, CH3 CHOH CH2 CH3, जिस कार्बन पर OH है वो 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, 2 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ब्रिकार्ड रिएजेंट इथेनॉल के साथ रिएक्शन पर इंटरमीडिएट बनाएगा, यानी एडिशन प्रोडक्ट देगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है, पूरा का पूरा ब्रिकार्ड रिएजेंट सी डबल बॉन्ड पे एड हो गया है, तो कार्बन पे पॉजिटिव, ये अल्काइल चेन कार्बन के साथ जाएगी, O पे नेगेटिव, MgBr उसके साथ अटैच होगा, यानी ब्रिकार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम अदर एल्डिहाइड के साथ करते हैं ऑलवेज फॉर्म 2 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट थर्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जो हम करते हैं कीटोन, तो दिस इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड कीटोन इज सबसे छोटा कीटोन एसीटोन, एसीटोन इज कॉमन नेम, बट आईपैक नेम इज प्रो फॉर 3 कार्बन, एन फॉर सिंगल बॉन्ड, ओन फॉर कीटोन, प्रोपेनॉन। तो क्या होगा, सेम, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन पे पॉजिटिव ओपन नेगेटिव, बॉन्ड यहां से टूटी, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, कार्बन पर नेगेटिव, तो CH3 CH3 एंड दिस O। ठीक है, इस CH3 को मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, इस C डबल बॉन्ड O पर, इस CO बॉन्ड पर पूरा का पूरा ग्रिग्नार्ड मॉलिक्यूल ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, O पर नेगेटिव है तो MgBr पॉजिटिव इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन पर पॉजिटिव है, इस कार्बन पर नेगेटिव, तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस में MgBr निकलेगा, तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो MgBr निकल रहा है, यानी पॉजिटिव पार्ट निकल रहा है तो पॉजिटिव ही वापस आएगा, तो वाटर में पॉजिटिव इज H,
तो CH3, this CH3 and this OH, 3 degree alcohol. This carbon पर OH is directly attached with 3 carbon, that is 3 degree alcohol will form. ठीक है, तो Grignard reagent की reaction formaldehyde के साथ always 1 degree alcohol will form और other aldehyde के साथ 2 degree alcohol and ketone के साथ 3 degree alcohol. Clear है? Next, थर्ड करेंगे, सॉरी फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक एंड लास्ट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद एल्कोहल. तो देखो होता क्या है, वन मोल कार्बोनिल कंपाउंड के साथ जब वन मोल एल्कोहल रिएक्ट करता है, यानी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में जाता है, देन एल्कोक्सी एल्केन विल फॉर्म. एल्कोक्सी एल्कोहल विच इज नॉन एज हैमी एसिटल. हैमी एसिटल अगेन, जब हैमी एसिटल की रिएक्शन अदर मोल एल्कोहल के साथ कराएंगे, यानी सेकेंड मोल एल्कोहल के साथ कराते हैं, तो इट विल फॉर्म डाई एल्कोक्सी दैट इज एसिटल. एग्जाम में आ गया, व्हाट इज एसिटल, गिव एग्जाम्पल. तो एसिटल को क्या बोलोगे, कार्बोनिल कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद टू मोल एल्कोहल फॉर्म एसिटल. अगर आता है हैवी एसिटल, कार्बोनिल कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद वन मोल एल्कोहल फॉर्म एसिटल. ठीक है, तो एल्कोक्सी मतलब एल्क मतलब एल्काइल ग्रुप, ऑक्सी मतलब ओआर, तो एक ओआर ग्रुप होगा और एक ओएच ग्रुप होगा. ठीक है, डाई मतलब टू, दोनों ओआर ग्रुप होंगे, उनको हम बोलते हैं डाई एल्कोक्सी. तो एग्जाम्पल चूज करते हैं, CA3, C double bond OH, two carbon for it, carbon carbon have single bond in al, ethanol, इसकी reaction करा रहे हैं methanol के साथ CA3OH. Oxygen is more electronegative, तो O have negative charge, carbon have positive charge after shifting of pi electron. ठीक है, alcohols are versatile in nature, it produce H plus as well as OH minus, तो bond यहाँ से टूटेगी एंड एच पे पॉजिटिव और ओ पर नेगेटिव चार्ज देगा, पूरा का पूरा मॉलिक्यूल एल्कोहल मॉलिक्यूल इस पर ऐड होगा, एज दिस रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो ऐड करते हैं CA3COH, ओ हैव नेगेटिव तो इसके साथ जाएगा एच, दिस कार्बन हैव पॉजिटिव चार्ज, दिस OCH3 अटैच विद दिस कार्बन, OCH3, तो OR एल्कोक्सी ग्रुप एंड OH ग्रुप, एक ओ आर ग्रुप होगा, दिस इज ओ आर एल्कोक्सी एंड एक ओ एच, तो क्या बन गया, ये हैमी एसिटल. हैमी एसिटल अगर आईयूपीएसी में भी करोगे तो वन मिथॉक्सी इथेनॉल, दिस इज वन मिथॉक्सी इथेनॉल. ठीक है, बट जनरल नेम इज हैमी एसिटल. अगेन ऑन द रिएक्शन ऑफ अनदर मोल ऑफ एल्कोहल CH3OH, तो अगेन यहां से OH निकलेगा एंड दिस एच एलिमिनेट टू फॉर्म वॉटर, यानी माइनस H2O एंड फॉर्म COCH3, देन दिस CH3, दिस एच एंड दिस OCH3 अटैच, क्योंकि जैसे OH माइनस निकलेगा कार्बन है पॉजिटिव चार्ज एंड दिस O एंड नेगेटिव, तो दिस OCH3 गेट सब्स्टिट्यूटेड टू दिस कार्बोनिल कार्बन एंड फॉर्म डाई एल्कोक्सी, दो एल्कोक्सी है देखो. ठीक है, OR ग्रुप है, तो दिस इज एसिटिल, तो कार्बोनिल कंपाउंड ऑन रिएक्शन विद वन मोल एल्कोहल फॉर्म हैमी एसिटल विच इज एल्कोक्सी एल्कोहल, अनदर मोल एल्कोहल के साथ रिएक्शन परफॉर्म करेगा एसिटिल विच इज डाई एल्कोक्सी. आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आ रही होगी. तो हम फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एल्डिहाइड और कीटोन की, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, कंप्लीट कर चुके हैं. Then move to second chemical property, which is nucleophilic addition by elimination of water molecule, इसमें टोटल 7 रिएक्शन बढ़ेंगे. यानी यहां पर हम क्या करते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन अमोनिया
और इट्स डेरिवेटिव, अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव के साथ कराते हैं तो क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन ऑफ अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ कराते हैं तो वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में करेंगे, अगेन बेस OH माइनस, तो वाटर गेट एलिमिनेटेड एंड द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रिएक्शन, इसकी फर्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद अमोनिया। तो अमोनिया को कैसे लिखेंगे, ठीक है, NH3 को कैसे लिखेंगे, यानी इसमें नाइट्रोजन डेरिवेटिव और अमोनिया डेरिवेटिव के हाइड्रोजन H2 का पहले रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, तो क्या फॉर्म करेगा, यहां से जाएगा H2 एंड दिस O एंड दिस NH एड्स ऑन दिस कार्बोनिल कार्बन एंड फॉर्म C double bond NH. This is ammonia and double bond NH is amines. तो यहां पर आपको प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नेम जो है वो प्रॉपरली लाना होना चाहिए, यानी कार्बोनिल कंपाउंड और रिएक्शन विद अमोनिया फॉर्म amines. नेक्स्ट है कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन, अब हम इस H को रिप्लेस करेंगे, ठीक है, विद इस H को रिप्लेस करते जाएंगे विद डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, तो हमारे इस तरीके से 7 रिएक्शन हो जाएंगे। तो हमने एच को रिप्लेस किया आर, तो अमीन्स बन गया, क्या बन गया, अमीन्स, 1 degree अमीन बन गया RNH2। तो अगेन ऐसे वाटर निकलेगा और क्या फॉर्म होगा, C double bond O N R। ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड इमीन्स, यानी इमीन्स ये है, बस एच को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद आर, which is also known as skiff base, जिसको हम क्या बोलते हैं, skiff base। ठीक है, अब क्वेश्चन आ जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन रिएक्शन विद अमीन फॉर्म skiff base, तो ए के बारे में क्या हिंट दे रहा है कि ए में भी एल्गेड और कीटो। क्लियर, थर्ड रिएक्शन, फिर से हम इसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस एच को हमने आर से किया, अब हम इसको कर रहे हैं OH, then this name is, इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल फॉर OH, अमीन फॉर NH2, हाइड्रोक्सिल अमीन, अगेन वाटर गेट एलिमिनेटेड एंड फॉर्म C double bond NOH which is oxime। तो कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हम कर रहे हैं अमोनिया और उसके डेरिवेटिव के साथ, तो जब कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन अमोनिया के साथ करते हैं अमीन्स विल फॉर्म, कार्बोनिल ग्रुप की रिएक्शन अमीन्स के साथ करते हैं तो स्किफ बेस इज फॉर्म, कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ करते हैं तो ऑक्साइन विल फॉर्म। आई होप समझ आ गया होगा, ये नोट डाउन करो, नेक्स्ट मूव करते हैं इसी पर। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन नंबर डी, क्योंकि 7 रिएक्शन मैंने आपको बोली है, इसमें हम 7 रिएक्शन पढ़ते हैं, तो रिएक्शन नंबर डी, तो डी के अंदर क्या होगा, हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन कराएंगे विद, अब हम क्या कर रहे हैं, उस एच को रिप्लेस करें अगेन NH2 के साथ, दिस NH2 इज हाइड्रोजीन, हाइड्रोजीन, तो इस तरीके से वाटर एलिमिनेट होगा और क्या फॉर्म करेगा, C double bond O NH2 which is hydrazone, this is hydrazone। Next replace करेंगे, अब फिर सब इसका एक हाइड्रोजन निकालेंगे एंड सब्स्टिट्यूट विद फिनाइल रिंग एंड दिस रिएक्शन इज, दिस रिएजेंट इज फिनाइल हाइड्रोजीन, अगेन वाटर गेट एलिमिनेटेड, ठीक है, एंड फॉर्म दिस NH, दिस फिनाइल रिंग, फिनाइल हाइड्रोजोन। क्लियर, F, अब क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे MO2, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज फॉर थ्योरी एग्जाम, NH2 NH और इस फिनाइल रिंग पर हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया दो एनोड का, सेकेंड एंड फोर्थ पोजीशन पर,
तो दिस रिएजेंट इज 2,4-DNP. व्हाट इज 2,4-DNP? 2,4-D फॉर डाई, N फॉर नाइट्रो, P फॉर फिनाइल हाइड्रोजन. तो 2,4-DNH2 तो वाटर एलिमिनेट होगा, ये वाटर निकल गया और क्या बन गया, C डबल बॉन्ड NH एंड दिस फिनाइल रिंग एंड दिस NO2 एंड दिस NO2 2,4-DNH2 क्लास में क्या लिख लोगे, जीन के प्लेस पर जोन लिख लोगे. एंड दिस इज द केमिकल टेस्ट फॉर कार्बोनिल कंपाउंड. ये क्या है, केमिकल टेस्ट होता है बेटा. क्वेश्चन है कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जो 2,4-DNP के साथ येलो ऑरेंज कलर के पीपीडी देता है, तो 2,4-DNP किसके साथ रिएक्शन में येलो ऑरेंज पीपीडी देगा, येलो ऑरेंज कलर का पीपीडी बनाएगा. तो 2,4-DNP इज केमिकल टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. अगर तुम्हें कार्बोनिल ग्रुप की डिटेक्शन करनी है देन यू कैन यूज 2,4-DNP टेस्ट. लैब में 2,4-DNP रिएजेंट रखा रहता है जो कि ऑरेंज कलर का होता है. तो जब आप इसको लिक्विड होता है तो जब मतलब वैसे तो सॉलिड ऑरिजिनल है लेकिन जो रिएजेंट टीचर ने बना के रखा है वो उसको सल्फ्यूरिक एसिड और एल्कोहल के अंदर मिक्स करके बनाया है. तो 2,4-DNP की जब हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोनिल कंपाउंड के साथ तो येलो और ऑरेंज कलर के पीपीटी फॉर्म करता है. तो दिस कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप. तो इसे मेन जो इसके नेम्स है एंड फॉर्मूला, हाइड्रोजन इज NH2NH2, फिनाइल हाइड्रोजन एच को रिप्लेस किया फिनाइल के साथ, NO2 को सब्स्टिट्यूट किया फिनाइल पर 2 एंड 4 पोजीशन पर, तो 2,4-DNP बन गया एंड दिस प्रोडक्ट इज 2,4-DNH2 हाइड्रोजन. लास्ट रिएक्शन ऑफ दिस सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टी विथ सेमी कार्बोजाइड, जिसके ऊपर रीजनेबल क्वेश्चन भी है. जब हम कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करते हैं विद सेमी कार्बोजाइड, दिस NH हाइड्रोजीन के H को हमने रिप्लेस किया विद C डबल बॉन्ड O NH2. ठीक है, NH2 इज हाइड्रोजीन, तो NH2 में NH के एक हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया C डबल बॉन्ड NH2. दिस इज सेमी कार्बोजाइड, दिस इज सेमी कार्बोजाइड. तो ऐसे ये वाटर निकलेगा एंड फॉर्म सेमी कार्बोजोन. अब एक रीजनेबल क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का और वो है क्या कि सेमी कार्बोसाइड के दो NH2 ग्रुप है, दिस NH2 एंड दिस NH2. एक NH2 कार्बोनिल ग्रुप के पास है एंड अदर NH2 इज अवे फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप. तो ओनली दिस NH2 विच इज अवे फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, यानी यहां से हाइड्रोजन को एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो वाई ओनली NH2 विच इज अवे फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल. देयर आर टू NH2 इन सेमी कार्बोसाइड, दिस एंड दिस. ओनली वन NH2 which is away from carbonyl group act as nucleophile but other does not. Why? Reason dekho, NH2 the C double bond O NH2. Yahan par nitration par lone pair hai, to jo nitrogen having lone pair is attached with carbonyl group under co resonance. Jab bhi kisi unsaturated system ke sath koi aisa atom attach hai jispe negative, positive ya lone pair under co resonance, तो कैसे जाएगा, और इस और लिखो नेगेटिव, दो पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, ये लोन पेयर इसके साथ रेजोनेंस में जाएंगे और रेजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं और क्या बन गया, दिस NH2 NHCO नेगेटिव एंड डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव. तो ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ NH2 व्हिच इज अटैच्ड विद कार्बोनिल ग्रुप, नाइट्रोजन बियर पॉजिटिव चार्ज, हेंस does not act as nucleophile. Nucleophile have negative or lone pair. So due to resonance, कौन से NH2 में, जो कार्बोनिल ग्रुप के पास NH2 है उसमें रेजोनेंस हो जाती है, उसके लोन पेयर कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में जाते हैं, जिसकी वजह से जो कार्बोनिल ग्रुप है वो NH2 के साथ रेजोनेंस में जाएगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा,
हैंड डज नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। इसी रीजन की वजह से NH2 जो कार्बोनिल ग्रुप से दूर है वो किसका काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का काम करता है एंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद कार्बोनिल कंपाउंड। दोबारा से बेटा क्वेश्चन क्या है, व्हाई NH2 नियर टू कार्बोनिल ग्रुप नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि जो कार्बोनिल ग्रुप के साथ NH2 अटैच्ड है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ उसके जो लोन पेयर है वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जाते हैं और रेजोनेंस की वजह से नाइट्रोजन बियर्स पॉजिटिव चार्ज, हेंस डज नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो दिस इज द रीजनेबल क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर एंड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी भी हमने कंप्लीट कर ली है जो कि है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बाय एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। देन मूव टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्टूडेंट्स अब करते हैं थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ऑक्सीडेशन। अब इसको हम टू टाइप से करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड देन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हम कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करते हैं विद PCC विच इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और CrO3, तो अगर ये एल्डिहाइड है गेट ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड, किसमें ऑक्सीडाइज रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी एल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन विद पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट और CrO3 विच इज माइल्ड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दीज आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि एल्डिहाइड को कन्वर्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड को किसमें कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन्स डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन विद माइल्ड और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कीटोन जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता है। कीटोन को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें विगरस कंडीशन चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड वेरी वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट एंड फैलिन सॉल्यूशन टेस्ट यूज करते हैं लैब्स के अंदर टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन। एज एल्डिहाइड गेट ऑक्सीडाइज यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेरस कीटोन डज नॉट। एल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज कर सकते हैं यूजिंग माइल्ड यानी वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट कीटोन्स को नहीं कर सकते। टॉलेंस रिएजेंट फैलिन सॉल्यूशन बोथ आर माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं, वेट फॉर अ मिनट, टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट। टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट और सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट, दिस केमिकल टेस्ट इज यूज टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन, यानी ओनली एल्डिहाइड गिव पॉजिटिव टेस्ट। ये वाला जो टेस्ट है सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं, उन दोनों टाइप के एल्डिहाइड देंगे, एरोमेटिक भी और एलिफैटिक, बोथ टाइप ऑफ एल्डिहाइड शोज पॉजिटिव टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट व्हेयरएज कीटोन डज नॉट, कीटोन नहीं देंगे। क्वेश्चन पूछे वाइवा में प्रैक्टिकल में, क्यों नहीं देंगे, क्योंकि कीटोन्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमें विगरस कंडीशन चाहिए, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए एंड एलिवेटेड टेम्परेचर। और टॉलेंस रिएजेंट कैसा होता है, माइल्ड वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज एबल टू ऑक्सीडाइज ऑनली एल्डिहाइड नॉट कीटोन। तो व्हाट इज टॉलेंस एजेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल टॉलेंस एजेंट पढ़ते हैं, इट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। दिस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट हैविंग फॉर्मूला AgNH3 होल ट्वाइस NO3, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, तो एल्डिहाइड मिल गया R C डबल बॉन्ड O
H, इसमें डाला टॉलेंस रिएजेंट, दिस इज एल्कलाइन, टॉलेंस रिएजेंट इज एल्कलाइन इन नेचर, एल्कलाइन यानी बेसिक होता है, तो लिया NH3 और ट्वाइस प्लस, सिर्फ कोऑर्डिनेशन के लिए हमने लिखा है प्लस OH माइनस, दिस इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच एंड इट्स गेट रिड्यूस्ड टू सिल्वर प्लस अमोनिया एक्सपेल्ड आउट अलोंग विद वाटर. तो ड्यू टू दिस सिल्वर डिपोजिशन इट फॉर्म्स सिल्वर मिरर. तो अगर एक एल्डिहाइड में टॉलेंस रिएजेंट डालते हो और टॉलेंस रिएजेंट डालेगा तो उसको वार्म करते हो, हमें क्या करना है, सिंपली वार्म करना है इसको वाटर बाथ में, वाटर बाथ में वार्म करना है टेस्ट ट्यूब को. पहले आप टेस्ट ट्यूब में लोगे एल्डिहाइड, उसमें थोड़ा सा टॉलेंस रिएजेंट डालोगे, उसको वार्म करोगे, तो आप देखोगे आफ्टर सम टाइम जो टेस्ट ट्यूब की इनर लाइनिंग है उस पर सिल्वर डिपॉजिट हो जाएगा. दिस इंडिकेट कि सिल्वर जो टॉलेंस रिएजेंट गेट रिड्यूस टू सिल्वर and this carbonyl compound oxidized to carboxylic acid, the formation of silver mirror indicate the compound is aldehyde. यानी ये जो oxidizing agent है, tolerance reagent, ये mild है, ये सिर्फ aldehyde को oxidize करने की tendency रखता है, क्योंकि ketone को oxidize करने के लिए भी strong condition चाहिए, elevated temperature चाहिए. तो जब आप tolerance reagent को ketones में डालोगे, no reaction takes place, no silver mirror form. कोई भी सिल्वर मिरर नहीं बनेगा. आई होप क्लियर हो गया होगा. टॉलेंस रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज सिल्वर मिरर टेस्ट. दिस इज अ केमिकल टेस्ट टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड एंड कीटोन इन लैब्स. या दिस इज यूज्ड टू डिफरेंशिएट एल्डिहाइड फ्रॉम कीटोन. बोथ टाइप ऑफ एल्डिहाइड, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक, गिव दिस पॉजिटिव टेस्ट, यानी फॉर्म सिल्वर मिरर. यानी एरोमेटिक एल्डिहाइड सच एज बेंजाल्डिहाइड भी पॉजिटिव टेस्ट देगा, यानी बेंजाल्डिहाइड भी टॉलेंस रिएजेंट के साथ ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है. नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट टेस्ट, ऑक्सीडेशन के अंदर ही फाइलिंग सॉल्यूशन. आई होप आपने उतार लिया होगा. ये सारा मैं इसके बारे में बताना चाहिए, फॉर्मूला बताना चाहिए. ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये इसका नेम है. माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, सिर्फ एल्डिहाइड, दोनों टाइप के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखता है. सिर्फ ये दोनों टाइप के एल्डिहाइड पॉजिटिव सिल्वर मिरर टेस्ट शो करते हैं. आज की वीडियो की लास्ट रिएक्शन, अदर जो केमिकल प्रॉपर्टी बच रही है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी. तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें. जो टॉपिक अगर आपको समझना है, कोई टॉपिक में डाउट है, कोई चैप्टर में डाउट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वीडियोज को लाइक भी करें. नेक्स्ट है इसी का फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट. फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, दिस इज ऑल्सो एल्कलाइन इन नेचर, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस इज मिक्सचर ऑफ इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ फैलिंग ए, फैलिंग ए एंड फैलिंग बी. यानी आपको फ्रेशली बनाना होता है लैब के अंदर, फैलिंग ए और फैलिंग बी आपको अलग अलग रखे होंगे बॉटल्स के अंदर. तो फैलिंग ए इज ब्लू इन कलर एंड दिस इज कलरलेस. इट इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. सिर्फ कॉपर सल्फेट को वाटर में डिजोल्व करके रखा है, जिसकी वजह से इसका कलर है ब्लू. दिस इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड. दिस इज सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ टार्टरिक एसिड विच इज कलरलेस एंड दिस सोल्यूशन इज ब्लू कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर सल्फेट. तो इन दोनों का इक्विमोलर लेना है, इक्विमोलर मतलब 1:1 मिक्सचर लेना है, 1:1 मिक्सचर. जब दोनों को मिक्स करोगे तो डीप ब्लू कलर का सोल्यूशन आएगा, जो कि हमारा बन जाएगा फैलिंग सॉल्यूशन, जिसमें प्रेजेंट होंगे कॉपर 2+ व्हिच एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. दिस कॉपर 2+ एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ठीक है, करें रिएक्शन स्टार्ट. चलो करते हैं. एल्डिहाइड आर सी डबल बॉन्ड ओ एच
इसमें डाला फैलिंग सॉल्यूशन। तो फैलिंग सॉल्यूशन है क्या? एक्चुअली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कॉपर 2 प्लस इट इज स्ट्रॉन्ग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दिस इज ऑल्सो एल्कलाइन, तो प्रेजेंस ऑफ OH- इज ऑल्सो देयर, तो दिस एक्ट इज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइज एल्केन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड and itself get reduced to CU2O. This is of blue color and this cupric oxide is of reddish brown pp. ठीक है, ऑरेंजिश मतलब रेड आते हैं, प्रॉपर रेड नहीं होता, रेड के साथ मिक्स होता है, अगर येलो या ऑरेंज टाइप का, तो रेडिश ब्राउन पीपीटी मैंने लिखा है। यहाँ पर कॉपर के ऊपर चार्ज प्लस वन है, यहाँ पर प्लस टू है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई है। And this copper 2 plus act as mild oxidizing agent which oxidizes alkane to carboxylic acid and itself get reduced to CU2O along with water is formed. ठीक है, आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आ गई होगी। ऑक्सीडेशन में ये दोनों जो टेस्ट हमने पढ़े, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट और टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट is shown only by both type of aldehyde, aromatic and aliphatic. Exceptional case is also there. सिर्फ एक ही कार्बोक्सिलिक एसिड है जो सिल्वर मिरर शो करती है, फॉर्मिक एसिड गेट ऑक्सीडाइज टू CO2, सिल्वर मिरर विल फॉर्म। कार्बोक्सिलिक एसिड जिसको मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, एक लोता कार्बोक्सिलिक एसिड विच शोज टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट इज मिथेनोइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट इज ओनली गिवन बाय एलिफेटिक एल्डिहाइड। एरोमेटिक एल्डिहाइड भी फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड भी फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करते हैं, इस इसका आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अगर मान लो एलिफेटिक और एरोमेटिक एल्डिहाइड में डिफरेंशिएट करना है, देन वी कैन यूज फैलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि एलिफेटिक एल्डिहाइड तो देंगे फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, रेडिश ब्राउन प्रोड्यूस में आएगा, बट जो एरोमेटिक एल्डिहाइड है वो नहीं देंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड सिर्फ टॉलरेंस रिएजेंट टेस्ट देंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा। रिमेनिंग जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं शेयर करूंगी। ठीक है, कोई भी अगर डाउट है किसी भी टॉपिक सेमेस्टर 2 के सिलेबस से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक में, चाहे वो सेमेस्टर 1 का ही क्यों ना हो, तो अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और जल्दी आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगी थ्रू वीडियोस। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको समझ आता है मेरा पढ़ाया हुआ, तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।